नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो आपका दोस्तों स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों प्री का, तो OBC वाले कैंडिडेटों ने दोस्तों मेरिट के संबंध में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आपकी 28 तारीख को होनी थी। तो दोस्तों, उसकी सुनवाई में क्या हुआ है और आज की सुनवाई में क्या हुआ है, ये सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी पता चले। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा मामला हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जर्नल ने कहा रिजल्ट में त्रुटि हुई है, सुधारने का समय दिया जाए। तो दोस्तों, और मैं इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी पढ़कर यहाँ पर सुना देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा का घोषित रिजल्ट दिनांक 30 मार्च 2022 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। उक्त घोषित परीक्षा परिणाम, जिसमें कम्युनल अर्थात 100% आरक्षण लागू करके SC ST OBC के प्रतिभावन याचिकाकर्ताओं को अधिक अंक प्राप्त करने पर भी चयन से वंचित कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग की कट ऑफ 78 और OBC की कट ऑफ 82 अंक निर्धारित की गई है, जो कि असंवैधानिक तथा आरक्षण नियम 4 तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। इस तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, 10 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस सुजय पाल व PC गुप्ता की खंडपीठ में शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद सह ने न्यायालय को बताया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जवाब दाखिल कर दिया गया है। तब हाई कोर्ट की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट उक्त रिजल्ट में सुधार करना चाहता है। तब याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उक्त प्रकरणों में न्याय का आदेश जरूरी है, ताकि इस प्रकार की असंवैधानिक गलतियों की पुनरावृत्ति न हो सके। तब न्यायालय द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों की फाइल सुनवाई दिनांक 30 जून नियत की गई है। तो दोस्तों, जो आपकी सुनवाई होना था वो अब 30 जून को रखी गई है, तथा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दाखिल जवाब की कॉपी मूल रिकॉर्ड में संलग्न करने का भी आदेश दिया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 18 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई दोस्तों अब आपकी 30 जून को होगी। दोस्तों, जो फैसला आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।